हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिंत्रा हॉल। मैंने मिंत्रा से कुछ टॉप्स ऑर्डर करे हुए थे, तो ये टॉप का ही हॉल होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, और गिव अवे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आई शेडो पैलेट। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है, मैंने काफ़ी वो यूज करी हुई है। और जब मैं आप लोगों के लिए वो ऑर्डर प्लेस करूँगी तब भी मैं अपने लिए वो ऑर्डर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाकर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। गिव अवे वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट करना। पहले आप मिंत्रा हॉल देख लो, उसके बाद आप गिव अवे वाली वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं मिंत्रा हॉल। तो मैंने मिंत्रा से कुछ टॉप्स ऑर्डर करे हुए थे और वो मुझे डिलीवर हो गए हैं। कुछ तो मैंने पहन भी लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे डिलीवर हुए, तो मैंने इस तरीके से रख दिए हैं जो मैंने पहन लिए हैं। जो अभी पैकिंग के साथ हैं वो अभी इसी तरीके से हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे काफ़ी टाइम पहले डिलीवर हो गया था, आई थिंक बहुत टाइम हो गया ये मुझे डिलीवर हुए, तो मैंने आपको नहीं दिखाया था ये, तो मैं इसलिए आपको दिखा दे रही हूँ। मुझे मोडा रैपिडो के टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं। मोडा रैपिडो काफ़ी यार इनकी क्वालिटी ना मतलब बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी, मतलब इनकी लेंथ वगैरह क्रॉप टॉप जितनी ही होगी आप देखिए इतनी ही इनकी लेंथ होती है। तो मैं आपको ना फोटोज़ ऐड कर दूंगी जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ टॉप वगैरह, आप फोटोज़ वगैरह देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के हैं। तो एक है ये, अब इसको प्रेस करना है, जस्ट ये धुला ही हुआ है अभी, तो फर्स्ट है ये। और ना मुझे लूज लूज टॉप काफ़ी अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट मैं आपके लिए ओपन करती हूँ, दिखाती हूँ। एक आई थिंक मैंने ये मीशो से मंगवाया था, तो मीशो का आ गया है इस पर, तो ये मीशो हॉल में दिखा दूँगी आपको। तो एक मीशो का इस पर आ गया है, क्योंकि कपड़े मैं मिंत्रा या मीशो करके नहीं वॉश कर सकती ना, तो कपड़े इकट्ठे ही धुले थे, तो वो मीशो और मिंत्रा का इकट्ठे ही रखा गया। तो नेक्स्ट है ये, अच्छा देखिए यार इतने बढ़िया रहते हैं ना, ये कॉटन के होते हैं ये देखिए, मतलब क्रॉप टॉप ही है ये, आप इसको मतलब साइड में यहाँ पर नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आएगा, या फिर आप इसको पीछे साइड नोट कर सकते हैं, मतलब क्लासी लुक आता है और काफ़ी मतलब सिंपल डिसेंट से रहते हैं, कॉलेज वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मंगा ली, जैसे मुझे ना कहीं घूमने जाना होता है, जैसे नॉर्मल मेट्रो वगैरह में जाना होता है, तो मैं ये पहन लेती हूँ, इतना क्या मतलब हर जगह बन ठन के जाना ना, तो मैं पहन लेती हूँ जैसे घूमने जाना है कहीं पर, तो फिर यही सब पहन लेती हूँ मैं नॉर्मली। मतलब अगर ऐसे प्लेस में जाना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब धूप वगैरह है, कुछ भी है मतलब जहाँ इरिटेशन हो सकती है, इस टाइप के कपड़े उसमें मतलब जैसे ये नेट लगी हुई है इस पर तो इरिटेशन कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मल ऐसे कैजुअली पहन के चली जाती हूँ, तो ये कैजुअल लुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो मैंने पहना हुआ है आपने इसका हॉल देख लिया होगा ऑलरेडी, मीशो हॉल, तो ये मैंने मीशो से मंगवाया हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा यार इतना ज़्यादा इतना देखो यार आप लोग खुद देखो कितना ज़्यादा बढ़िया है। और ये सारे के सारे जो मैंने मीशो हॉल के अभी डाला हुआ था, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, फटाफट से आकर देख लो यार, सारे के सारे 250 के नीचे रेट के हैं यार टॉप वगैरह, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, आ रहा है ना एकदम रॉयल लुक रॉयल व्यू में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा खैर आप लोगों को भी अच्छा आएगा। तो ये रहा नेक्स्ट, ये देखिए एकदम प्लेन है, देखो कुछ भी नहीं है, बाजू में यहाँ पे डबल फोल्ड करा हुआ है, मुझे ऐसी प्लेन पसंद है यार, मुझे मतलब अच्छा लगता है थोड़ा कैजुअल होके भी रहना अच्छा लगता है यार, ऐसा नहीं है कि हमें तो चमक धमक ही पहनना है। टॉप वगैरह ना मतलब नॉर्मल रखो और नोट बांध लो साइड में, या फिर पीछे कर सकते हो आप नोट वगैरह बांध सकते हो, या फिर नॉर्मल खुला रखो, मस्त लगता है एकदम अच्छा लुक आता है। और तो ये मैंने मंगा रखा है, मतलब ये ना एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी अच्छे रहते हैं, ढीले ढीले से पहन लो मस्त एक्सरसाइज करो अपना तो अच्छे रहते हैं। तो नेक्स्ट ये है, और फिर नेक्स्ट ये है ग्रीन कलर, और ये मुझे सारे के सारे डिस्काउंट में पड़े थे, मतलब ये मुझे 200 से कम ही पड़े थे, या फिर ये मुझे 250 से कम पड़े थे, बिल्कुल महंगे नहीं थे, क्योंकि मैं शॉपिंग मतलब एक कपड़ा ख़रीदने के लिए नहीं करती हूँ, मैं इकट्ठे मतलब ख़रीद लेती हूँ कपड़े वगैरह, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे एक ही ख़रीदना है जाके, तो उस टाइम क्या होता है उस टाइम वो चीज़ महंगी पड़ जाती है। अगर आप इकट्ठे लोगे ना सामान, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे लोगे, जैसे 4-5 ले लिया आपने, 7-8 ले लिए, तो आपके इकट्ठे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब यही चीज़ रहता है यार, क्योंकि एक ना उनका लिमिट होता है कि आप 1200 तक की शॉपिंग कर लो या 2000 तक की शॉपिंग कर लो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये चीज़ रहता है, इससे फिर आप ही का प्रॉफिट है, ठीक है, तो मैं इसी तरीके से शॉपिंग करती हूँ। तो नेक्स्ट ये है, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा नहीं लग रहा, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है वो, शायद पता नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है,
चलो जो भी है थोड़ा बड़ा साइज आया होगा तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ये है, अरे एक तो पता है साइज नहीं समझ आते, अगर अर्बेनिक से मंगाओ तो फिर साइज का अलग इशू है, मतलब उसमें इंचेस तो दिए होते हैं बट उनका अलग ही इशू है। अगर मिंत्रा से ऑर्डर करो उनका अलग इशू है, अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह मीशो वगैरह का अलग इशू है, मतलब जहाँ जो साइट है और जो कपड़े हैं अलग इशू, सबका ब्रांड्स का अलग इशू है। आप अगर मतलब ब्रांडेड कपड़े लोगे तो आपको कम साइज कहेंगे, अगर आप नॉर्मल लोगे तो आपको बड़ा साइज लेना पड़ेगा, इसलिए समझ ही नहीं आता। मतलब ये एक्सेल मंगा रखा है मैंने और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया है एक्सेल में, अब रिटर्न करना पड़ेगा। और एक्सेल ये भी मंगा रखा है मैंने और ये वाला एक्सेल मुझे फिट आया हुआ है, तो समझ नहीं आता यार क्या मंगाऊँ क्या ना मंगाऊँ। तो ये अब ये वाला एक्सेल है, मीशो का ही मंगाया हुआ है, ये भी एक्सेल साइज ही है जो ये पिंक कलर का टॉप है और ये मुझे ढीला हो रहा है। अब क्या करें, मतलब समझ नहीं आता यार क्या मंगाएं क्या रिटर्न करें। तो नेक्स्ट ये है और फिर है नेक्स्ट ये वाला, अब बोर तो नहीं हो रही मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दिखा रही हूँ तो थोड़ी बातें कर ले। अच्छा चलो बातें कर लेते हैं थोड़ी बात। मैं ये कह रही थी जैसे गिव भी चल रहा है अभी और रिज़ल्ट आने ही वाला है, आप लोगों को पता है रिज़ल्ट आने वाला है 21-22 तारीख को, मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर दूंगी। बाई चांस जो गर्ल्स नहीं अनाउंस होती, क्योंकि यार मैं दो गर्ल्स अनाउंस करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सभी को अनाउंस कर दूंगी, सब लोग आप लोग मेरे प्यारे हो बट मैं सबको अनाउंस नहीं कर सकती ना कि मतलब सब लोगों को मैं एक एक आई शेडो पैलेट गिफ्ट कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दो गर्ल्स अनाउंस होंगी तो आप लोग अपनी होप मत खोना, मैं हूँ आप लोगों के लिए, नेक्स्ट गिव अवे लेके आऊँगी। और नेक्स्ट गिव अवे क्या चाहिए आप लोग मुझे खुद बता दीजिए, आप लोग आजकल ज़्यादा ही कमेंट कर रहे हैं वाइट ब्रश वो आपको पसंद आ रहे हैं मेकअप ब्रश, अगर वही चीज़ अगर रखनी हो गिव अवे में तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना कि हाँ दी वही रख लो आप गिव अवे में, तो मैं वही रख लूँगी। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे उस वाली वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, तो मैं आपके लिए वही गिव अवे में रख लूँगी। तो मेरे चैनल पे तो गिव अवे आने ही वाले हैं, हर हफ्ते या 10 दिन के बाद गिव अवे आएगा और गिव अवे का अनाउंसमेंट किया जाएगा जो विनर्स होंगे उनके लिए। तो और अगर मतलब जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, तो गाइज़ आप मुझे मेल कर दीजिए, आप लोग मुझे एफबी में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं शेयर करेंगे तो ऐसे मुझे विनर बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मतलब जो कह रहे हैं कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, वो नहीं चला सकते इंस्टाग्राम आईडी, जो भी कुछ आप लोगों का पर्सनल इशू है उस चीज़ के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगी। तो गाइज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं यार, आप लोग मुझे एफबी में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो क्योंकि और भी सबको मेहनत कर रहा है, तो मैं स्पेशली आपको नहीं मतलब गौर कर सकती, मुझे सबको मतलब ध्यान में रख के ही चलना पड़ेगा। तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपकी मेल चेक कर लूँगी, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, और ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप इस बार नहीं विन कर पा रहे हैं तो आप अपनी होप खो दें, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल पर आप बिना गिव अवे गिफ्ट ले जाए बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर हो तो आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा, तो ये है, बस आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहना तब जाके मिलेगा। ये है एक और टॉप, ये पता है उसी के साथ का टॉप है जो एक प्लेन मैंने आपको दिखाया था, डिट्टो वही टॉप है, उसी के साथ का टॉप है, प्लेन एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है, कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आती है मिंत्रा का, आप सभी जानते होंगे यार जो जो शॉपिंग कर रहे हैं, मिंत्रा कपड़ों की क्वालिटी में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी देते हैं मिंत्रा वाले। और नेक्स्ट ये है, ये कौन सा ब्रांड है, आई थिंक मैंने दूसरा ब्रांड मंगा लिया, हाँ इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अरे सारे ढीले ढीले से क्यों दिख रहे मुझे आज, सो बाजू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देखना सारे रिटर्न ना करने पड़ जाए मुझे। तो नेक्स्ट ये है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है कलर, मतलब मेहंदी टाइप का कलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ना मुझे ना ऐसा नहीं कि मुझे ब्लैक वगैरह ही मैं रेगुलर वे में पहनूं, मुझे पसंद वैसे ब्लैक और वाइट ही है, बट मुझे आजकल थोड़ा मन कर रहा है कि मतलब मैं नए नए कलर ट्राई करूं, जैसे मेहंदी कलर, ये बहुत ही कम यूज होता है मेहंदी कलर, और अभी कुछ टाइम पहले मैंने पीच कलर बहुत ज़्यादा मंगाया और पर्पल लेवेंडर कलर मैंने बहुत ज़्यादा मंगाया, अभी मैंने पुरानी वीडियो में ही मतलब मैंने वाला कलर पहना था, मिंत्रा से ही मंगा रखा मैंने, वो भी टॉप मंगाया हुआ था पिंक कलर का, हस्बैंड ने मंगाया था वो, और जैसे रॉयल ब्लू, मैं इस टाइप के कलर बहुत ही कम मेंशन करता हूँ, मतलब मोस्टली कपड़े आपको जो दिखेंगे वो वाइट कलर के ब्लैक कलर के यही दिखेंगे और अब मैंने स्टार्ट करा ये वाले कपड़े पहनना और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो यहीं पर हॉल को एंड करते हैं यार, और है मिंत्रा के कपड़े बट मैं एक ही वीडियो में नहीं दिखा सकती आपको सारे के सारे कपड़े, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, अगर एक ही में सब कुछ दिखा दूँगी तो एक ही चलाऊँ, गर्म हो रहा है बहुत, इसका पंखा चला नहीं सकते, एसी ऑन करो तो बिल्कुल वो ठंडा कर देता एकदम। तो सब कुछ शेयर कर ही दिया फिर मैंने आप लोगों के साथ,
और अभी मैं आपके लिए पिंक फूड चैलेंज लेके आने वाली हूँ, और मेरा मन कर रहा है मतलब ग्रीन फूड चैलेंज करने का, क्योंकि यार मतलब ग्रीन सब कुछ होता है, मतलब कोई भी फ्रूट खा के खा लो यार, मतलब ग्रीन कलर का, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा ले के खा लो, मतलब ग्रीन कलर का तरबूज खा लो और खीरे वगैरह भी खा सकते हो, मतलब वेजिटेबल्स भी बहुत आती हैं। तो मेरा मन कर रहा है ग्रीन फूड चैलेंज करने का भी और पिंक फूड चैलेंज करने का भी, देखती हूँ पहले कौन सा आपके साथ शेयर करती हूँ। और काफ़ी मन कर रहा है, और अगर आपको ना वो देखना हो, मतलब कोई मेकअप चैलेंज वगैरह देखने हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और किसी और टाइप का अगर आपको चैलेंज देखना हो, जैसे स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, और भी बताना मुझे, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। और पिंक फूड चैलेंज मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पर, आप देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही होता है बेल आइकन, तो उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी यार, अभी मैं मेकअप लुक नहीं कर रही हूँ, बट इन फ्यूचर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मेकअप लुक लेके आने वाली हूँ। कहाँ फंस गई? अब कहाँ फंसी है? वहीं घूम रही हो, इधर अभी इधर आई थी, पर बाद में वहीं बग गई, फिर ढूंढने लग गया, इधर आई फिर बाद में वहीं पुलों को चढ़ गए। जरूरी है लगाऊंगा क्या, मैं सिलेंडर तो पीछे रखा हुआ, तुम आ जाओ फटाफट, फ्री होकर तुम वहां पे कार्ड में बंद। ठीक है, मैं आ रही, मेरे घर की छिपकली कहीं नहीं जाने वाली है, पता है वो फंस गई है, अब क्या होगा यार। अगर आपको ना चिपकली भगाने का कुछ मतलब नुस्खा वगैरह पता हो तो प्लीज़ यार मुझे शेयर करना, मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है, और वो नहीं जा रही है, वो फंस गई है, मतलब फंस गई है, मतलब उसको बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने सब कुछ पैक करा हुआ है ना, जहाँ से हम उसको जगह दे रहे हैं निकलने की, वहाँ से वो नहीं निकल पा रही है। अच्छा, मैं थंबनेल ले रही थी यार, प्लीज़ गाइस अगर आपको नुस्खा वगैरह कुछ पता हो चिपकली भगाने का तो मुझे ज़रूर शेयर करना, फिलहाल मेरा मूड ख़राब हो गया है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो डेट्स इट गाइस, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों को लेके आती रहूँगी। जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। मेरी हालत डाउन हो गई क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, डर क्या मतलब अजीब सा लगता है यार। चलो मैं थंबनेल ले लूँ, बाय, लव यू।